Okay, so welcome to our third session of C Sharp Online. And जैसे कि हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन हो चुका है, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन से रिलेटेड. ठीक है, सो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, वैसे तो चलो पहले ये सवाल मैं करता हूँ आप लोगों से. मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, आपको अगर याद हो मैंने एक चीज़ ये कही थी कि आपको देखना है. ओके, सो ये तो पुरानी टास्क है. कुछ टास्क दिए थे मैंने आपको. एक मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आपने सोरोज को, जो हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी है बिटबकेट के ऊपर, उसको अपने पास लोकल मशीन में क्लोन करना है. नंबर नंबर वाइज आप बताएंगे, ठीक है, किस किस ने अपने पास क्लोन कर लिया और किस किस के पास इशू आ रहे थे. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जिया आपने क्लोन कर ली थी? ठीक है, तकवीम आपने कर ली थी इसको सक्सेसफुली क्लोन? ओके ओके, चलो फिर आप मुझे डिटेल के अंदर बताना अपने इशू, मैं इसको देख लूंगा. ठीक है, शौकत आपने मुझे एक इशू रिपोर्ट किया था, आपका हो गया था फिर? चलो चलो सही है, उसको भी अभी मैं देख लेते हैं. बिलाल आपने कर ली थी? हाँ, आपने मेरे को स्क्रीनशॉट एक सेंड किया था उसके अंदर. चलो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, सबसे पहले तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने क्लोन कैसे करनी है रिपोजिटरी. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, जिस फोल्डर में आपको अपने ये रिपोजिटरी रखनी है, वहाँ पे आपने गिट बैश ओपन करनी है. ठीक है, गिट बैश हेयर, और इसके अंदर आपने वो जो कमांड हमारे पास बिट बकेट के ऊपर मौजूद होती है, जब आप ओवरव्यू में जाते हैं, वो कमांड आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है. ठीक है, जब आप वो कमांड पेस्ट करते हैं आपसे ये पासवर्ड मांगते हैं, जब आप पासवर्ड इसको दे देते हैं, ठीक है, तो ये आपको आपकी रिपोजिटरी क्लोन कर देता है लोकल में. ठीक है, ये तो हो गया. मेन चीज़ ये आ रही थी कि आप ये चाह रहे थे कि यार ये विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हमारे पास टीम एक्सप्लोरर है, ये कैसे आएगा जो चेंजेस के अंदर हमारे पास आ रहा था. सो इसकी आप टेंशन नहीं लें, मतलब अगर आपके पास ये नहीं भी आता तो हमारे पास यहाँ पे एक और, अगर आप अपनी रिपोजिटरी को ओपन करेंगे, सोरोज रिपोजिटरी में आया मैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और टूल भी होता है, राइट क्लिक करें और गिट GUI हेयर, ठीक है, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन कर देगा. ठीक है, अब इसके अंदर देखें आपके पास कुछ चीजें आ रही जो कि मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास ऐसे आप ये चाह रहे थे कि आपके पास ये क्यों नहीं आ रहा, तो इसके अंदर हम लोग चेंजेस में जाते हैं. अगर आप इसको विंडो को आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आपके पास ये बता रहा है अनस्टेज चेंजेस. ठीक है, अनस्टेज चेंजेस ये होती हैं जो कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में चेंजेस किए, जैसे कि मैंने भी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर एक चीज चेंज की थी. ठीक है, मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को जरा मैंने चेंज किया था. अगर मैं ऐप कॉन्फिग ओपन करूँ, पहले ये एक लाइन में थी, मैंने उसको तीन लाइनों में किया है, तो अब आप ये देखें यहाँ पे इसके पास आ रहा है. ठीक है, एक लाइन को मैंने तीन लाइनों के अंदर इस तरह से कर दिया, तो ये इसने डिटेक्ट कर लिया कौन सी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है. और इसी तरह से स्टूडेंट वाली फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे वो भी आ रही है. ठीक है, तो उसके अंदर भी ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक यूजिंग स्टेटमेंट मजीद ऐड की है. ठीक है, और नीचे आई थिंक और कोई चेंज नहीं है. सो सिंपल, आप क्या करेंगे, आपको अपना कोड कमिट करना होता है. ठीक है, जो हम यहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर से कर रहे थे, मैं मैसेज यहाँ पे लिखता था और कमिट ऑन एंड सिंक कर रहा था, तो आप वही मैसेज यहाँ पे लिखें. लेट सपोज मैं इसके अंदर अगर मेंशन करता हूँ टेस्ट कमिट. ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है, आपने हमेशा इस ब्रांच को देखना है. ठीक है, करंट ब्रांच अभी मास्टर है. इस ब्रांचेस के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताने लगा आपको. ठीक है, ये बस अभी फिलहाल नोट करेंगे करंट ब्रांच कौन सी सेलेक्ट है, मास्टर. ठीक है, और ऐसे री स्कैन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पिक कर चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लें तो कोई मसला नहीं है. री स्कैन, ठीक है, इसने और कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं की. और ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल कमिट. ठीक है, अब आपने कमिट जैसे किया, नो चेंजेस टू कमिट यू मस्ट स्टेज. ओके, सो पहले तो हमें स्टेज करना है यार इनको, स्टेज चेंज. ठीक है, अब ये देखें जब आपने स्टेज कर लिया इसको, तो ये आपके पास इस विंडो में आ रहा है. इसका मतलब ये है कि ये वाली चेंजेस सिंपल अब कमिट होने के लिए रह गई है. ठीक है, इनको बस कमिट कर देना है. थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या कमिट्स, क्या चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते जाएंगे, फिर आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैंने अभी इसको क्या किया है, स्टेज कर दिया. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल कमिट. अब ये क्रिएटेड कमिट, अभी ये कमिट कहाँ हुई है, ये लोकल पे मेरी जो मशीन है यहाँ पे हुई है. अगर मैं अभी यहाँ पे
रिपोजिटरी में जाता हूँ ठीक है, और कमिट्स में ओपन करता हूँ, मेरे पास कोई कमिट नहीं आ रही होगी ठीक है, कि मैंने कोई नई कमिट की है कि नहीं। देखें अभी कोई कमिट नहीं आ रही जो मैंने लेटेस्ट किया। अब मैं अगर इसमें पुश करता हूँ ठीक है, पुश का मतलब यह है जो हमारी ओरिजिन पे जो हमारे सर्वर के ऊपर रिपोजिटरी पड़ी है वहाँ पे पुश कर दूँ मैं, तो ये ऑनलाइन पुश हो जाएगी ठीक है। फिलहाल रिमोट ओरिजिन ठीक है, मास्टर मास्टर ब्रांच के अंदर मैं कमिट कर रहा हूँ ठीक है। अब पुश जैसे ही मैं पुश करूँगा वर्किंग प्लीज, ये एक दो सेकंड के अंदर हो जाएगा ठीक है। पुशिंग वन ब्रांच टू ओरिजिन ठीक है, पोस्ट गेट, ये देखो ये कमांड हो गई एग्जीक्यूट और क्लोज। अब मैं अगर इधर आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ हमारे पास जो मैंने मेरी लेटेस्ट कमिट है वो आ रही होगी ठीक है, टेस्ट कमिट। सो इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये मुझे बताएगा कौन कौन सी चेंजेस मैंने की है। सो लाजमी नहीं है कि अगर आप आपको विजुअल स्टूडियो में ये एक्सेस मिल रहा हो, क्योंकि मैंने तो गिटहब का एक्सटेंशन यूज़ किया है ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं भी आ रहा तो आप जो बाय डिफॉल्ट आपने गिट इंस्टॉल किया था तो गिट के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है ठीक है। और मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, रिकमेंड भी मैं आपको यही करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, गिट जी यू आई है ठीक है। अगर आपको इसकी कमांड्स याद है तो कमांड्स यूज़ कर लें, अदरवाइज ईजी तरीका यह है कि आप गिट जी यू आई को यूज़ करें ठीक है। ओके सो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि किस तरह से आपने क्लोन करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया ठीक है, और फिर उसके ऊपर कमिट कैसे करनी है या उसको हम लोग रिमोट रिपोजिटरी पे कैसे कमिट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैंने आपको ये कही थी कि आपने ब्रांचेस के बारे में देखना है कि ब्रांचेस क्या होती हैं गिट में ठीक है, और मुझे लगता नहीं है कि आप में से ज़्यादा लोगों ने ब्रांचेस के बारे में देखा है गिट के ऊपर ठीक है। सो उसके बाद मैंने एक और आपको भी टास्क ये दिया था कि ब्रांचेस अपने नाम की बनानी है। मुझे क्यों पता है कि आप लोगों ने ब्रांचेस के बारे में नहीं देखा, क्योंकि आप लोगों ने थर्ड स्टेप को कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ आई थिंक शौकत ने कंप्लीट किया है या जिया ने कंप्लीट किया है, जरा देखूँ यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ब्रांचेस में आ रहा होगा कि किस किस ने अपनी ब्रांचेस बना ली हैं। लेट्स सपोज देखते हैं मर्ज, और मर्ज के अंदर ये देखो शौकत ने अपनी ब्रांच बना ली है, तो शौकत की ब्रांच यहाँ मेरे पास शो हो रही है ठीक है। सो सबसे पहले तो तकवीम, जिया और बिलाल, आप लोगों को थोड़ी डांट पड़ने वाली है ठीक है। सो इससे पहले ही आपने आज लाजमी ये काम करना है ठीक है, क्रिएट अपने नाम की ब्रांच बनानी है, लास्ट टाइम का ये टास्क है पिछले सेशन का ठीक है। ये क्रिएट बटन के ब्रांच को, क्रिएट ब्रांच के बटन को यूज़ करना है आपने ठीक है, और अपने नाम की ब्रांच बनानी है जिस तरह से शौकत ने बनाई है, जिस तरह से मैंने अपनी बनाई है ठीक है। मेन ब्रांच हमारी है मास्टर ठीक है, आप अगर आप इसके बारे में देखेंगे ब्रांचेस के बारे में तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है ठीक है, व्हाट आर ब्रांचेस इन गेट। किसी का सवाल है कोई? ओके लेट्स कंटिन्यू। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि ओके सो नेम की ब्रांच होगी ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको कहा था, अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में कन्फ्यूज हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैंने लिंक दिया था, गिट भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, और इन्फो अबाउट माइग्रेशंस। ओके सो इसके लिए मैंने लिंक दे दिया है, आज इसको दोबारा देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास माइग्रेशन तो सक्सेसफुल हो चुकी थी लेकिन हमें ये नहीं समझ आई थी कि हमारा डेटाबेस कहाँ बना है ठीक है। सो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन में ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं करने लगा हूँ वो ये थी, मैंने एक मेरे पास एक लिंक है ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फिग फाइल सेटिंग्स, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि देखने वाली है ठीक है, वो ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दी हुई है, मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने लगा हूँ ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया ठीक है, और मैं अपने ये कहाँ पर आएगी, ये आएगी क्योंकि डाटा बेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो ये सरोज डॉट डाटा के मॉड्यूल में आएगी, और सरोज डॉट डाटा के जो एफ कॉन्फिग फाइल है उसको मैंने ओपन किया, उसके अंदर लास्ट टाइम हमने ये वाली एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड की थी ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, इसके नीचे प्रेस करता हूँ, क्योंकि वैसे तो एक वक्त में एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें हो सकती है, एक ही एट्रीब्यूट हो सकता है कनेक्शन स्ट्रिंग का, लेकिन खैर फॉर द टाइम बिंग एक चीज़ देखते हैं ठीक है। ये मैंने वो एप कॉन्फिग है, ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि मैंने इधर से कॉपी किया इस लिंक से ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो कि हम लोग देखते हैं, पहली चीज़ इसमें क्या है, ऐड, ऐड के अंदर क्या हो रहा है, ये एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर रहा है इस नोड को ठीक है, और आगे इसके लिखा हुआ है नेम। सो सबसे पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ रहा है, ये तो हमें समझ आ रही है ठीक है, तो मैं इसका नाम चेंज करने लगा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने सोरोज लोकल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग रखा था, इसका मैं नाम रखा हूँ सोरोज डीबी
कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले नाम से ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपने माइंड में रखना है, अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज है प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम के अंदर हम लोग मेंशन ये कर रहे हैं कि यार ये डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें हम लोग एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, सही है, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। इसके अलावा अगर हमारे पास एसक्यूलाइट हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं एसक्यूलाइट, समथिंग इस तरह से, ठीक है। सो बट फॉर नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग एसक्यूएल, सो वी आर स्टिकिंग विद सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज, ये जो वैल्यू है ये यूज होनी है। इसके अंदर दो चीजें जो कि आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है। पहली चीज सर्वर, सर्वर के आगे वैल्यू जो लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो मैंने कॉपी किया इसमें क्या मेंशन हुआ हुआ है, डॉट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये आपके एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस का नाम है, ठीक है। आप अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो तो उसके अंदर एक इंस्टेंस होता है। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस इंस्टॉल होता है तो आपके पास बाय डिफॉल्ट उसका एक इंस्टेंस होता है डॉट एसक्यूएल एक्सप्रेस। सो यहाँ पे ये मेंशन हुआ है, लेकिन हम लोग क्योंकि लोकल डीबी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो सर्वर का नाम होगा वो ये होगा, ठीक है, लोकल डीबी, एमएस एसक्यूएल लोकल डीबी, सही है। तो हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, हम लोग ये यूज करेंगे लोकल डीबी सर्वर, ठीक है। उसके बाद आगे एक चीज लिखी हुई है डेटाबेस, डेटाबेस इक्वल्स लॉगिंग, सही है, जो कि मैंने वहां से कॉपी किया उसमें लिखा हुआ है। मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ सोरोज, सोरोज डीपी, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस नाम से जो लोकल डेटाबेस, लोकल एसक्यूएल सर्वर है मेरे पास, उसके अंदर इस नाम से डेटाबेस बनेगा, ठीक है। ये वो डेटाबेस का नाम है, ये आपने माइंड में रखना है, एंड दैट्स इट। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। मैं पुरानी कनेक्शन स्ट्रिंग को रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो मैंने बनाई थी डेटाबेस वाली फाइल, डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर कोड, कोड के अंदर सोरोस कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया था इसको, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। सो आज मैं आपको उसका हल दिखाने लगा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, इधर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होवर करेंगे, राइट क्लिक, क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरिंग, ठीक है। और आपके पास आप इसको इसमें से आई थिंक सेकंड नंबर वाले को अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर है सोरोस कॉन्टेक्स्ट का। इसमें इसको एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग, इसकी जगह पे मैं क्या देने लगा हूँ, अच्छा एक चीज नोट करें, नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं या अपनी पता नहीं आई थिंक कॉन्टेक्ट्स का नाम देना होता है समथिंग इस तरह, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देने लगा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी ऐप कॉन्फ़िग के अंदर जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको मेंशन करने लगा हूँ, ठीक है। मैं कैसे करूँगा इसको, इस तरह से कॉपी नेम और वापसी आते हैं सरोज कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया और इसको इस तरह से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क को बता रहा हूँ कि आपके पास ऐप कॉन्फ़िग में जाएं, वहां पे इस नेम की सरोज डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, उसमें जो डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर मेंशन है उसको आप यूज कर लें। सो ऐप कॉन्फ़िग में वो आएगी एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे आके सर्वर देखिए कि कौन से एसक्यूएल सर्वर को यूज करना है, ठीक है, और कौन से नाम से डेटाबेस बनाना है। इस दफा मैंने उसको डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं दिया, फिलहाल मैंने बस उसको एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेस का नाम दिया, ठीक है। और अब मैं वापसी क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब मैं माइग्रेशन पे जा रहा हूँ, जो कि दोबारा से जो कि तकनीकी में भी पूछा है, जिया ने भी पूछा था आई थिंक, और बिलाल ने भी पूछा, ठीक है। मैं दोबारा से वो कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास तीन कमांड्स होती हैं जो कि हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं न्यूकेट पैकेज मैनेजर कॉन्सोल में। वो कहाँ से एक्सेस होता है, वो आप आएंगे टूल्स में, आप आएंगे न्यूकेट पैकेज मैनेजर, न्यूकेट पैकेज मैनेजर कॉन्सोल, ठीक है। या आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, सही है, मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, ये ओपन हो रही है, ठीक है। इनिशियलाइजिंग पावर शेल, तो इसके अंदर आपने वो तीन कमांड्स एग्जीक्यूट करनी होती है, वो तीन कमांड मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ, ठीक है। ये जरा ओपन हो जाए, इसमें आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब ये ओपन होती है तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो होता है उसको डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ऐड हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारी डेटाबेस फाइल कहाँ पे है, डेटाबेस वाली मॉड्यूल वो है सोरोस डॉट डाटा। सो वो सेलेक्ट करने, आपने वो सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे, पहली कमांड क्या होती है हमारे पास, इनेबल माइग्रेशन, ठीक है, इनेबल
इनेबल डैश माइग्रेशंस, ये एस इसके साथ में आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। और पहली चीज, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे जो कि नोट करने वाली, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप पहली दफा माइग्रेशन कर रहे होंगे, मेरे पास लास्ट टाइम माइग्रेशन हो चुकी है, सो पुरानी वाली माइग्रेशन यहाँ पे है। अगर मैं इसको एक्सक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा और ये कहेगा कि ऑलरेडी माइग्रेशन इनेबल्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको कहने लगा हूँ पुरानी माइग्रेशन को डिलीट करो, ये माइग्रेशन नई वाली बनाओ, ठीक है। पहली कमांड क्या होती है हमारे पास, आपने सिर्फ इसको इतना एग्जीक्यूट करना है, इनेबल माइग्रेशन, डैश फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंटर। और ये मेरे पास इस मॉड्यूल के अंदर माइग्रेशन इनेबल कर देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, अगर आपको याद हो, सेकंड स्टेप ये होता है कि हम लोग माइग्रेशन ऐड करते हैं, एक माइग्रेशन, ठीक है। उस माइग्रेशन में जो चीज़ें हम लोगों ने चेंज की होती हैं वो हम मेंशन करते हैं उसके नाम के तौर पे, ठीक है। तो हमारे पास जो माइग्रेशन है उसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाओ भाई, टाइम क्यों ले रहे हो। ओके, सो जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है, ओके सो यस टू ऑल could be found in the application config file. Okay, so is there a problem? I think in the application config file, भाई हमने ये add कर चुके हैं connection string इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्यों इसको pick नहीं कर रहा यार, मैंने आज ही इसको check किया है लेकिन ये इसको pick नहीं कर रहा, it's wrong with this. Okay, let's rebuild it first. Rebuild. Maybe there is some problem. Okay. Package manager console में वापसी आते हैं। Sorrows DB connection string नाम बिल्कुल same है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। Enable migration dash force, ठीक है। अब इसको pick कर लेना चाहिए इसको, लेकिन ये क्यों pick नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है, what is wrong? मैंने आज ही इस चीज को आज के सेशन के लिए दोबारा देखा था, लेकिन ये सुबह मेरे पास चला है, लेकिन आज ये फिर मसला कर रहा है इस टाइम। आई थिंक इसने कुछ मान लिया कि भाई टीम के साथ ही काम नहीं करना है इसने। सो रोज डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग कुड नॉट बी फाउंड इन द एप्लीकेशन कॉन्फिग फाइल, लेट्स गूगल इट यार, आज से इसको हम लोग करके ही छोड़ेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग नॉट फाउंड इन एप गूगल करना पड़ता है यार, गूगल इज एवरीवन्स फ्रेंड। ओके, लगता है और लोगों के ये मसले आए हैं, सो हम लोग देखते हैं उनको क्या जवाब मिले हैं। ओके, स्टैक ओवरफ्लो ओपन हो जाओ, नेट भी थोड़ा स्लो हो गया आज। यू आर राइट, दिस हैपेंस बिकॉज़ द क्लास लाइब्रेरी वी आर द ईडीएम इज नॉट योर स्टार्टअप। ओके, मे बी वी हैव टू मेक इट स्टार्टअप प्रोजेक्ट, स्टार्टअप प्रोजेक्ट, आई फाउंड आउट दैट। अभी पता है क्या मसला है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ है। अभी पहले हमारी जो स्टार्टअप एप्लीकेशन थी वो क्या थी, हमारी विंड फॉर्म एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब जब ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा था तो ये कौन सी ऐप कॉन्फिग रीड कर रहा था, जो कि हमारे विंड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। विंड फॉर्म की ऐप कॉन्फिग को अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास ये मसला आ रहा था। अब मैं अगर अपने ये देखो, ये इश्यू आ रहा है कि मेरे पास पहले भी फेस हुआ था लेकिन मेरे माइंड से बात निकल चुकी थी। हमें क्या करना होगा, इसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाना होगा, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। या दूसरा हल ये है कि आप क्या करें, यही जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ मेंशन किया है इसी को कॉपी करें और इस ऐप कॉन्फिग के अंदर पेस कर दें, इस तरीके से भी हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सोरोस डॉट डेटा को हम लोग स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसको किस तरह करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। सो अब जो है आई थिंक होपफुली इट विल पिक। ओके, सो दोबारा से इनेबल माइग्रेशन डैश फोर्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एंड दिस टाइम इट विल वर्क आई एम श्योर। ओके, सो जस्ट डू ऑल एंड दैट्स इट। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट वर्किंग, लेट्स सी इफ देयर इज एन एरर। ओके, सो कोड फर्स्ट माइग्रेशन इनेबल फॉर प्रोजेक्ट सोरोस डॉट डेटा, ठीक है, माइग्रेशन इनेबल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने लगे, और इसने किया क्या है, हमने जो डेटाबेस इसको बताया है, ठीक है, उसी को यूज करेगा ये। अब एक काम, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप था हमारा एड माइग्रेशन। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है
इनेबल माइग्रेशन की जो पहली कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। जब आप अपने पास एंटिटी के अंदर कोई नई एंटिटी ऐड कराएंगे या एंटिटी को अपडेट करेंगे, तब आपने इनेबल माइग्रेशन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करनी है। इनेबल माइग्रेशन पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ और सिर्फ जो दूसरी और तीसरी कमांड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी कमांड क्या थी आपकी, वो थी एड माइग्रेशन, ठीक है, एड माइग्रेशन और इसके बाद नेम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो हमारी माइग्रेशन जो होगी उसका नाम हम लोग देंगे, और थर्ड होती है अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस क्या हो गया। ओके सो हम अब ये दो कमांड भी रन करने लगे, ठीक है। इस पहली माइग्रेशन के अंदर हम लोग हमने दो क्लासेस ऐड की हुई हैं, स्टूडेंट एंड क्लास। सो क्या करने लगे हम लोग, ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन सिंपली हम लोग ये बता रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को कि कोड को लो और कोड को डेटाबेस के टेबल्स में बना दो, ठीक है, या अपडेट कर दो। सो मैंने जैसे बताया कि ऐड माइग्रेशन और फिर नेम ऑफ माइग्रेशन। सो हमारी इस माइग्रेशन का क्या नाम है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इसको दिया था नाम स्टूडेंट एंड क्लासेस, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यूजुअली हम लोग पहली माइग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं इनिशियलाइज्ड, ठीक है, इनिशियलाइज्ड। देखते हैं कि ये कोई एरर देता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक माइग्रेशन ऐड की भी है, तो आई थिंक मे बी देयर शुड बी सम इशू, बट लेट्स सी। ओके सो हमने ऐड माइग्रेशन की कमांड एग्जीक्यूट की, और इस दफा ये नोट कर रहे हैं आप, इधर हमने इसको क्या नाम, इसको सिंगुलर नाम दिया, ठीक है, ऐड माइग्रेशन नॉट माइग्रेशंस। सो ओके सो यू सी देयर इज ऑलरेडी अपेंडिंग माइग्रेशंस। सो फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, usually you do not have to delete your migration files, but because we have created a new migration, we have enabled a new migration, so I want to delete this migration file from here. Okay, it is giving me an error because of this file. Let's okay, and hopefully this time it won't find any configuration files and it will not give us this error again. Okay, so basically what it says is जब आप कोई माइग्रेशन करते हो तो आपको उसके बाद थर्ड कमांड जो है अपडेट डेटाबेस, ये लाजमी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक माइग्रेशन ऐड कर दी, ठीक है, और उसके बाद आप दोबारा से एक दूसरी कोई एक माइग्रेशन आप ऐड कर रहे हो। इससे पहले, दूसरी माइग्रेशन ऐड करने से पहले आपको अपडेट डेटाबेस की कमांड एग्जीक्यूट करना लाजमी है। तो ये जो एरर आ रहा है, अनेबल टू जनरेट एन एक्सप्लिसिट माइग्रेशन बिकॉज द एक्सप्लिसिट माइग्रेशंस आर पेंडिंग। सो ये लास्ट टाइम हमने पिछली सेशन के अंदर ऐड की थी, सो इस वजह से ये पेंडिंग है इस वक्त तक, इसलिए ये हमारे पास एरर आ रहा था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर से डिलीट कर दिया। तो होपफुली अब ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। सो मैं वही दोबारा ऐड माइग्रेशन की कमांड पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज्ड, एंड दिस टाइम दिस एरर विल बी गॉन। ओके एंड हमारे पास एक वाली माइग्रेशन की फाइल बन जाएगी जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट टेबल्स रिलेटेड कमांड्स होंगी, ठीक है। सो इट्स एग्जीक्यूटिंग स्कैफोल्डिंग माइग्रेशन, एंड ये देखें आपके पास यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर दोबारा से एक फाइल ऐड हो चुकी है, और उसका नाम क्या है, आज की टाइम स्टैम्प और इनिशियलाइज जो आपने उसको नाम दिया, ठीक है। और इसके अंदर वेरीफाई भी आप कर लें आपके पास क्लासेस और स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दो टेबल्स बन रहे हैं, और इनके अंदर ये देखें प्राइमरी की भी वो ऑटोमेटिकली पिक कर चुका है कि आईडी प्राइमरी की है, और हमारे पास स्टूडेंट के टेबल के अंदर वो ऑटोमेटिकली पिक कर चुका है कि फॉरेन की हमारे पास डीबीओ क्लासेस के अंदर क्लासेस क्लास आईडी जो है फॉरेन की है। स्टूडेंट के टेबल में किसको मेंशन कर रही है, ये क्लासेस के टेबल के अंदर आईडी को, ठीक है, यहाँ पे। ओके सो ये हमारी थी सेकंड कमांड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट डेटाबेस, और अपडेट डेटाबेस की अगर कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स बन चुके होंगे, ठीक है, और वो हम देखेंगे कि वो कहाँ पे आज अपडेट डेटाबेस। सही है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अपडेट डेटाबेस के साथ आप ये भी यूज कर सकते हैं वर्बोस, ठीक है, ये आपको बताता रहेगा कि कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। होपफुली दिस टाइम इट विल वर्क, लेट्स सी। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारे पास हम ओके सो नाउ इट इज सेइंग अप्लाइंग एक्सप्लिसिट माइग्रेशंस, जो भी हमारी माइग्रेशन थी, ठीक है, वो अप्लाई हो चुकी है। सो यू सी जो ये एरर था, एक्सप्लिसिट माइग्रेशंस इज पेंडिंग, ये इस वजह था कि हमने उसको अप्लाई नहीं किया था डेटाबेस के ऊपर। सो अगर आपके पास कभी भी ये एरर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये हमें हमारी पेंडिंग एक माइग्रेशन है जिसके लिए हमें अपडेट डेटाबेस की कमांड रन करनी है।
अब आपको याद हो चुका होगा कि हमारे पास तीन कमांड है, ठीक है। पहली कमांड जो के ओनली एग्जीक्यूट्स विच इज इनेबल माइग्रेशंस, ओके। सो मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ओनली एग्जीक्यूट्स वंस व्हेन वी आर इनेबलिंग, जब हम सेटिंग अप एंटिटी फ्रेम, ठीक है, व्हेन वी आर सेटिंग अप एंटिटी फ्रेम, एंड उसके बाद हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये दो कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे जब भी हम लोग कोई नई एंटिटी ऐड करेंगे या हमें डेटाबेस अपडेट करना होगा, ठीक है। तो ये अच्छा, अब ये तो एग्जीक्यूट होगी। अब हमें देखना है कि डेटाबेस की फाइल कहाँ बनी है या डेटाबेस कहाँ बना है, ठीक है। अब हम ऐप कॉन्फिग को जरा देखते हैं, ये तो पुरानी वाली है, ये विन फॉर्म की है। इस ऐप कॉन्फिग को ओपन करते हैं। इस ऐप कॉन्फिग के अंदर देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या मेंशन किया है, लोकल डीबी, MS SQL लोकल डीबी, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा व्यू में, व्यू के अंदर SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, एंड इसके अंदर अब ये देखिए हमने सर्वर कौन सा मेंशन किया है, लोकल डीबी, ठीक है। सो हमें लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी, सो जो के है ये वाला, ठीक है। और ये ऑलरेडी वैसे ओपन नहीं होते इस तरह से, ठीक है। आपको इसको वैसे अक्सर रिफ्रेश भी करना पड़ता है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ही ओपन हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं हम लोगों के पास ये बन चुका है कि नहीं, ठीक है। लोकल डीबी को आप ओपन करेंगे, एक्सपेक्ट। अच्छा ये देखें, दो मेरे पास लोकल डीबी भी दो आ रहे हैं, एक है MS SQL लोकल डीबी एंड एक है प्रोजेक्ट वर्जन 13, आई थिंक। पता नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, मुझे इसका आइडिया कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें कौन सा मेंशन किया है, MS SQL लोकल डीबी, जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद डेटाबेसेस एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और डेटाबेसेस के अंदर एक्सपेंड करने के बाद एक चीज हमारे पास आ चुकी है, वो क्या है, SourceDB। SourceDB कैसे इसको पता चला SourceDB का नाम है, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा, SourceDB, जो हमने यहाँ मेंशन किया है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे टेबल्स बने हैं कि नहीं। हमारे टेबल्स एक्सपेंड एक्सपेंड, ओके। सो यू कैन सी दैट वी हैव टू टेबल्स हियर, वन ऑफ देम इज डीबीओ क्लासेस एंड द अदर वन इज डीबीओ स्टूडेंट्स। देर इज अनदर टेबल दैट इज डीबीओ माइग्रेशन हिस्ट्री। सो ये टेबल क्या, ये टेबल किस काम के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये एक माइग्रेशन यहाँ पे की, इसको ये अपने पास इस टेबल के अंदर इसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका डाटा चेक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा कि इस वक्त एक माइग्रेशन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास क्लासेस के और स्टूडेंट के टेबल के कॉलम्स जनरेट हुए हैं कि नहीं, ठीक है, और क्या जनरेट हुए हैं। एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। कॉलम्स को देखते हैं, क्लासेस के कॉलम हमने देखे, क्लासेस के कॉलम है हमारे पास दो, आईडी और नेम, और हमारे पास एग्जैक्टली प्राइमरी की भी बन चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। और इंटीजर है, नॉट नल, और एन वार चार मैक्स, ये ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास क्लासेस के कॉलम बन चुके हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनाई, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोस्टली तो वैसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये डेटाबेस में एग्जैक्टली सही बना है, ठीक है। कॉलम्स, ओके। सो कॉलम्स हमने तो देखा, ठीक है। हमारे पास आईडी, नेम, आईडी प्राइमरी की है, इंटीजर, नॉट नल, बाकी सारी चीजें सही है। और क्लास आईडी देखें, क्लास आईडी क्या है, फॉरेन की, एफ के, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कीज के अंदर एक्सपेंड करें तो ये मेंशन भी हुई होगी यहाँ पे हमारे पास कि ये कौन से टेबल को मेंशन कर रहा है, ठीक है। की को एक्सपेंड किया हमने, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है फॉरेन की, ठीक है, स्टूडेंट डीबीओ डॉट क्लासेस क्लास आईडी, ठीक है। सो इसने इसको हमारे पास वेरीफाई हो गया कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास क्लास आईडी क्लासेस के टेबल को फॉरेन की के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो आई थिंक आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत डेटाबेस को आप देखो, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर मेरे पास, मेरे से इस सेशन के बाद मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसपे आप इसके बारे में मजीद डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। आज एक चीज़ तो वेरीफाई होगी जो कि हमारे पिछले सेशन में रिमेनिंग थी, वो ये थी कि एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू जो डेटाबेस बन रहा है वो कहाँ पे है, ठीक है। वो हमने वेरीफाई कर लिया, जो हमने सर्वर मेंशन किया है वो, और फिर हमने जो डेटाबेस का नाम यहाँ पे दिया है उस जगह पे, उस लोकेशन पे हमारा ये बन चुका है। अच्छा, अब इस ये हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
मैंने सोरोस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के अंदर मैं इसकी जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं, इसकी डेटाबेस, हाँ ये देखो डेटा फाइल, इसकी डेटा फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये मेरे पास सी यूजर्स सी डी आर गुल जो मेरे यूजर नेम है, ठीक है, और सोरोस डीबी डॉट एम डी एफ, ठीक है। तो अगर मैं इस लोकेशन को ओपन करता हूँ अपने पास कॉपी, और इसको हटाते हैं नोट पैड को, ठीक है, डायरेक्टरी मैंने ओपन की, और ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखो जो हमने ऐड किया है इसमें सोरोस भी, बहुत सारे मेरे पास डेटाबेस आ रहे हैं, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है हमारा ये है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपकी लोकल डीबी की फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो ये है, ठीक है। सो ये भी वेरीफाई होगा कि हमारी डेटाबेस की फाइल हमारे पास हमारे कंप्यूटर में कहाँ पड़ी है, ठीक है। ओके सो ये हो गया हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क और डेटाबेस का काम, ठीक है। अब हम कुछ और चीजें देखने लगे जो कि हमारे आज के सेशंस में रिलेटेड है, 11:13 हो चुके हैं, 11:30 तक इसको लेके चलेंगे, ठीक है, क्लास को। ओके सो दूसरी चीज जो कि मैं आज बताने लगा हूँ आपको, वो किस चीज से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, चलो पहले काम करते हैं, पहले थर्ड चीज देखते हैं। थर्ड चीज क्या है हमारे पास, अगर हम लोग अपनी एंटिटीज में आते हैं, एंटिटीज के अंदर आप एक चीज नोट करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट के एंटिटी के अंदर भी हमारे पास एक कॉलम है आईडी, ठीक है, और क्लास के एंटिटी में भी एक कॉलम है आईडी, और इसके अलावा भी जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी, जब भी हम लोग एंटिटीज ऐड कराते हैं, एंटिटीज क्या है हमारे टेबल के अंदर जो डेटाबेसेस के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही होती है, ठीक है। तो एक चीज हमने आइडेंटिफाई की है कि जब भी हमारे पास टेबल होता है तो उसके अंदर एक कॉलम हर टेबल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, वो क्या है आईडी, हर टेबल के अंदर आईडी का कॉलम एग्जिस्ट करता है। सो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि ऑल एंटिटीज के पास होगी। तो इसका बेहतर हल क्या है कि आप हम हर क्लास में इसको मेंशन करने के बजाय हम एक काम करते हैं, हम एक पेरेंट एंटिटी बनाते हैं और उस इन एंटिटीज को उस पेरेंट एंटिटी से इनहेरिट करा लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये एंटिटीज है तो हमारे पास एंटिटीज का मॉड्यूल ऐड है, इसमें आते हैं और इसमें हम आके एक क्लास ऐड कराते हैं जिसको हम लोग नाम देने लगे हैं, क्या नाम दिया जाए इसको, आई थिंक इसको नाम दिया जाना चाहिए सोरोज एंटिटी, ठीक है। अच्छा सोरोज एंटिटी के बारे में बात ये करते हैं, मैंने सोरोज एंटिटी की क्लास ऐड कराई, ठीक है, ऑब्वियसली हम कोई से आई थिंक नहीं, इसको पब्लिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होगी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, देखते हैं, ठीक है। पहली चीज है इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज जो होंगी जो कि सब एंटिटीज के अंदर एक्सेसिबल होनी है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ डाल रहे हैं। तो हमने एक आइडेंटिफाई किया है प्रॉपर्टी, कौन सी आईडी, ओके, इसको इंटीजर, ठीक है, आईडी, ये सब ने यूज करनी है, ठीक है, जितने भी हमारे पास एंटिटीज होंगी सबके पास आईडी की प्रॉपर्टी होगी, ये होनी है। एक और चीज भी देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एज अ रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पे हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, वो क्या है, एक यूज होती है, उसको कहते हैं मॉडिफाइड ऑन, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड ऑन, मॉडिफाइड बाय, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग देखना ये चाह रहे होते हैं कि यार ये रिकॉर्ड कब बना था, ठीक है, किसने बनाया था, कब मॉडिफाई हुआ और किसने मॉडिफाई किया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिन जिन एंटिटीज का हम लोग ट्रैकिंग रखते हैं उनके अंदर हम लोग ये चीज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं काम करने लगा हूँ फॉर द टाइम बिंग, इस एंटिटी के अंदर एक और दो और फील्ड ऐड करने लगा हूँ, ठीक है, चार की बजाय दो ऐड कर रहा हूँ। पहली एंटिटी है जो कि होगी डेट टाइम टाइप की, ठीक है, और इसका होगा नाम क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन के अंदर हम लोग वो डेट या टाइम रिकॉर्ड करेंगे जिस टाइम पे ये रिकॉर्ड सेव हुआ था डेटाबेस में, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होगी जो कि होगी मॉडिफाइड ऑन, ठीक है, इसकी भी डेट टाइम होगी और मॉडिफाइड ऑन, ओके, मॉडिफाइड ऑन। अच्छा अब हम क्या करने लगे, इसको इनहेरिट, ये जो हमारी स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास, इसको इनहेरिट करने लगे हैं। अच्छा मैं इसको इनहेरिट करने लगा हूँ किससे,
सोरोज एंटिटी से, ठीक है। अब मैंने जैसे सोरोज एंटिटी से इसको इनहेरिट किया, ये क्या कह रहा है, ओके सो लेस एक्सेसिबल देन द क्लास स्टूडेंट, ओके सो वी हैव टू मेक इट पब्लिक एज वेल, ओके सो दिस इज नाउ पब्लिक। नाउ इफ यू लुक एट अवर स्टूडेंट क्लास हियर, इट इज गोइंग टू गिव अस सम वार्निंग, ओके सो द वार्निंग इज रिलेटेड टू आईडी, स्टूडेंट डॉट आईडी हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर सोरोज एंटिटी डॉट आईडी। सो ऑब्वियसली बिकॉज हमने पेरेंट एंटिटी के अंदर आईडी कॉलम को यूज कर लिया है, तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि स्टूडेंट इनहेरिट कर रहा है सोरोज एंटिटी को, तो इसके पास वो आईडी का कॉलम एक्सेसिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्लास में आते हैं, क्लास को भी हम लोग इनहेरिट कर देंगे सोरोज एंटिटी से, ठीक है, क्योंकि वो इसकी पेरेंट एंटिटी बन जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर भी हमारे पास आईडी के कॉलम को हमारी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से हमने क्या क्या हम चेंज कर लिया, हमारे पास एक पेरेंट एंटिटी है जिसके अंदर शेयर्ड या कॉमन प्रॉपर्टीज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जो हम लोग देखने लगे हैं, जिसका मैं आपके काम करता हूँ, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, एग्जाम्पल आपको कैसे दूँ, चलो एक काम करते हैं, मैं सर्विसेज में आता हूँ, और सर्विसेज में आके मैं, ये मेरा वैसे दूसरा टॉपिक है, चलो एक काम करता हूँ, इस दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं वापसी उसी उसी टॉपिक के अंदर इसको भी मेंशन करूंगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि हमें एक सर्विस बनानी है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने क्या मेंशन किया था, सर्विस लेयर क्या काम करती है, सर्विस लेयर विंडोज फॉर्म लेयर और डेटाबेस लेयर के दरमियान एक तरह से डाटा लाने और ले जाने का काम। बिल्कुल एग्जैक्टली, सही सही बात कर रहे हो, कि सो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे पास लेके जाने का काम करती है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं सर्विस के अंदर, तो मैं सर्विस के अंदर एक नई सर्विस बनाने लगा हूँ, इसको मैं क्या नाम देने लगा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सर्विस, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस क्या काम करेगी, ये सिंपल स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा ना, जो डेटाबेस से आएगा और डेटाबेस में जाएगा, या विन फॉर्म की तरफ जाएगा या विन फॉर्म से आएगा, वो स्टूडेंट सर्विस ने काम करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट सर्विस की, ठीक है, सिंपल नेमिंग कन्वेंशन है, अभी कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, सिंपल पब्लिक एक क्लास है, पब्लिक क्लास, नथिंग इज डिफरेंट, ओके। यहाँ पे अब हम एक काम करने लगे हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या होगा, वो आपने नाम सुना होगा डिजाइन पैटर्न्स का, किस किसने नाम सुना डिजाइन पैटर्न्स का, शौकत आपने डिजाइन पैटर्न्स का नाम सुना है, सो हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। हम जो यूज करने लगे हैं आज वो है, चलो पहले आपको बताता हूँ हमारे पास डिजाइन पैटर्न्स हैं कितने, ठीक है। एक बहुत मशहूर किताब है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स को मेंशन किया गया, लेकिन उन डिजाइन पैटर्न्स को चार डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनको हम लोग कहते हैं गैंग ऑफ फोर डिजाइन पैटर्न्स, ओके। सो ये डू फैक्ट्री के नाम से बहुत मशहूर वेबसाइट है, जिसके ऊपर इन डिजाइन पैटर्न्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, जिसको मैं एक काम करूंगा, ये यूआरएल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मजीद डिटेल अगर आपको चाहिए होगी डिजाइन पैटर्न्स क्या है, वो हम इसमें से देखेंगे। इसमें हम लोग जो डिजाइन पैटर्न आज यूज करने लगे हैं वो है सिंगल टन, ओके, सिंगल टन डिजाइन पैटर्न, जो के होता है क्रिएशनल। ये देखो हमारे पास यहाँ पे इनको चार हिस्सों में तकसीम किया गया, ठीक है, और नहीं इनको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन इनको कहते हैं समथिंग, हाँ गैंग ऑफ फोर, चार इसके ऑथर हैं आई थिंक शायद, और पैटर्न, ठीक है, चार ऑथर हैं इसके, जिसकी वजह से इसको गैंग ऑफ फोर कहते हैं, लेकिन इनको तीन बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्रिएशन पैटर्न्स में से सिंगल टन को यूज करने लगे हैं, ठीक है। सिंगल टन की डिटेल भी मैं इसका भी यूआरएल में शेयर कर दूंगा, ठीक है, और इसके यूजेज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो हम लोग इस डिजाइन पैटर्न को भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजाइन पैटर्न हैं जो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम लोग इसको यूज करने लगे हैं, ठीक है। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है सिंगल टन का, वो ये है कि आप अपनी क्लास का एक ही दफा इंस्टेंस बनाते हो, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि
आपको बार बार अपने, अभी क्या होता है, हमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर मुझे जैसे लेट्स सपोज ये स्टूडेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सर्विस कोई नाम दूंगा इसको मैं, ठीक है, और फिर मैं इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस, इस तरह से मैं कुछ कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन और जिधर जिधर भी मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मैं हमेशा इसको न्यू 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 इस तरह से मैं उसको देता रहूंगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए, कुछ कुछ जगहों पे हमें इससे रिफ्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगलटन पैटर्न। जैसे कि हमारी जो लेयर होगी, सर्विस लेयर, इसके अंदर जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, जितनी भी सर्विस क्लासेस होंगी, वो सिंगलटन को इनहेरिट करेंगी, सिंगलटन को यूज करेंगी, ठीक है। सो मैं सिंगलटन को यूज करने लगा हूँ। सिंगलटन बेसिक 4-5 लाइनों के अंदर हो जाएगा ये, उसका कुछ एक सेंटेक्स है जो कि आपने माइंड में रखना है। पहली चीज उसमें क्या होती है कि आप एक उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, वो आप प्राइवेट बनाते हो, ठीक है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, आई थिंक प्राइवेट शुड बी गुड, ओके। सो प्राइवेट जो कि इस तरह से होते हैं, ठीक है, ताकि इस क्लास का डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। दूसरी चीज इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसके थ्रू एक्सेस होता है, ठीक है, एक पब्लिक होती है और एक प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। सो हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाने लगे जो कि किस टाइप की होगी, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, और इसका नाम होगा डैश इंस्टेंस, ओके। अच्छा ये हो गया, आई थिंक ये प्रोटेक्टेड होगी, ओके। सो ये कुछ सेंटेक्स है इसका जो कि प्रोग्रामर्स ने बहुत सोच विचार के बाद बनाया है, ठीक है। सो बेसिकली हम वो वही सेंटेक्स सिमिलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है इसका वो इसी इस सेंटेक्स से काम चल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है इसके अंदर पब्लिक, और उसकी भी टाइप होती है स्टूडेंट सर्विस, जो भी क्लास का नाम होता है वही, ठीक है, ताकि क्योंकि उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके। और फिर हम लोग यहाँ पे देते हैं उसको नाम इंस्टेंस, ठीक है, एंड देन ये क्या करेगी, हम लोग इस ये इस सिर्फ और सिर्फ गेट हो सकती है, ठीक है, ये सेट नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम लोग बजाय से कि गेट सेट करें, इसको हम लोग इस तरह से सिर्फ और सिर्फ गेट करते हैं, ठीक है। और गेट के अंदर हम लोग मेंशन ये करते हैं, चेक ये करते हैं कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इंस्टेंस की, इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल आई सपोज, ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, डॉलर इंस्टेंस, डॉलर बोलो, डैश इंस्टेंस इक्वल्स न्यू स्टूडेंट सर्विस, एंड आफ्टर दिस वी सिंपली रिटर्न डैश इंस्टेंस एंड दैट्स इट। आई सपोज इट हैज, आई थिंक इट्स कंप्लीट, लेट मी जस्ट वेरीफाई। एक है प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्टेड जो कि इंस्टेंस सेफ रखेगी हमारे स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट सर्विस क्लास का, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक पब्लिक है जो कि ऑल ओवर जिधर जिधर भी हमें स्टूडेंट सर्विस को यूज करना है वो ये प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही होगी, और ये प्राइवेट हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर है ताकि इस क्लास को डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, ठीक है, ओके। आई सपोज दैट इज द कोड फॉर इट, लेट मी जस्ट वेरीफाई, नीचे जाते हैं इसमें कहीं तो होगा कोड इसका, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अच्छा मैं काम करूंगा, मैं इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसके ऊपर से ना हम ये कोड वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में सेम यही कोड है, ठीक है, फिलहाल आई कैन ट्रस्ट ऑन माय माइंड, ओके। सो लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाई है, और उसको मैंने उसमें यूज कौन सा किया है, डिजाइन पैटर्न यूज किया है सिंगलटन का, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ टीचर बना देता हूँ इसको, और इसको मैं नाम देने लगा हूँ सिंगल, ताकि मुझे आइडेंटिफाई रहे सिंगल। और ये आप लोग भी जब कोड को रिव्यू करेंगे तो आपको आपको भी आइडिया हो रहा होगा इसका, ठीक है, सिंगल टन पैटर्न स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, ओके। कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे इससे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं भी इसको यूज़ कर रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये कि जैसे जैसे आप इसको थोड़ा देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि यार डिज़ाइन पैटर्न हमें क्यों हेल्पफुल है, ठीक है। सिंगल
सिंपल हम इस रीजन को बंद कर रहे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इससे, ठीक है। अब सिंपल बस इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह मेथड्स हैं कुछ भी हो गए फंक्शंस, वो हम लोग इसमें बनाने लगे, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा एक मेथड बना रहा हूँ स्टूडेंट सर्विस के अंदर, मैं इसको कहता हूँ पब्लिक, ठीक है। मुझे रिटर्न करो ऑल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट्स, ओके। एंड अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट पे एरर आ रहा है, इसकी वजह यह है कि हमें सोरोज के अंदर, सोरोज डॉट सर्विस की लेयर के अंदर एंटिटी को रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस पे राइट होवर करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ शो पोटेंशियल फिक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास यूजिंग सोरोज डॉट एंटिटीज आ रहा है, ये क्या करेगा, हमारे पास एंटिटी की लेयर में सर्विस की लेयर में एंटिटी का ऑब्जेक्ट एंटिटी को भी रेफरेंस कर देगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यूजिंग सोरोज डॉट एंटिटीज, ठीक है, सो स्टूडेंट जो कि हमारे पास एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसका भी रेफरेंस हो गया सर्विस लेयर के अंदर, यहाँ पे सोरोज डॉट एंटिटीज, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ से, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो स्टूडेंट है जो मेरे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस एंटिटी के अंदर, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, ठीक है, रिटर्न न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में क्या होंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसमें एक होगा, या भी होना यहाँ पे क्या चाहिए था, ये रिक्वेस्ट आती डेटाबेस को, डेटाबेस रिटर्न करता, लेकिन मैं फिलहाल एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने उसके जो पेरेंट एंटिटी के अंदर, जो सोरोज एंटिटी के अंदर हमने उसके आईडी डाली है वो एक्सेसिबल हो रही है कि नहीं, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। अच्छा यहाँ पे मैं देखता हूँ आईडी, सही है, सो ओके, सो न्यू, क्योंकि ये लिस्ट है ना, तो लिस्ट में हमें न्यू स्टूडेंट बनाना पड़ेगा पहले, न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर पहली चीज हम लोग उसकी क्या बना रहे हैं, आईडी, आईडी लेट्स सपोज हमने असाइन कर दी इसको 1, फिर हम लोग उसको असाइन कर देंगे नेम, लेट्स सपोज इसको हमने नाम असाइन किया जिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है उसका, जो कि स्टूडेंट में है नेम है आई थिंक, और क्लास फिलहाल नेम हो चुका है हमारे पास, क्लास आईडी हम लोग इसको फिलहाल असाइन कर देते हैं 2 या 1, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जस्ट खाली ये क्लास आईडी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक लिस्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट की, जिसके अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। इसको सिंपल अगर दिखाने लगूँ मैं आपको सिंगल सिंपल इस तरह, मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, यूजुअली हम लोग इसको इस तरह कर देते हैं स्टूडेंट डॉट आईडी, ठीक है, और इसको हम लोग कोई भी आईडी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर जितने भी हम लोगों ने स्टूडेंट बनाए उन सबको हम लोग एक लिस्ट के अंदर डाल के वापसी भेज देते हैं। खैर अभी जस्ट खाली मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाह रहा था कि जो हमने पेरेंट एंटिटी बनाई है सोरोज एंटिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके आईडी रख दी है, वो एक्सेसिबल हो रहा है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और एक और चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि जो पेरेंट एंटिटी के अंदर हमने क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन के कॉलम बनाए हैं वो एक्सेसिबल हो रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं। स्टूडेंट डॉट मॉडिफाइड ऑन, एज यू कैन सी वी हैव वी कैन एक्सेस इट, ओके, इवन दो इट इज इन द पेरेंट एंटिटी बट वी कैन एक्सेस इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, ओके। सो लेट्स सी वी गिव इट डेट टाइम डॉट नाउ, ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड वी कैन लेट्स सी वी कैन इफ वी कैन एक्सेस स्टूडेंट डॉट क्रिएटेड ऑन, ओके, सो वी कैन इजीली एक्सेस इट, ओके। time dot now why is it giving us an error cannot use like okay, so this is not a method, okay, so you can say date time dot now as well, yes, so basically हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग एक फंक्शन में बनाया है जिसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट देख रहे थे वेरीफाई करने के लिए। अच्छा यहाँ पे अब एक एक इशू है जो कि मैं आपसे बताने लगा हूँ, इस इशू को नहीं देखेंगे, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं आखिर में रिटर्न नल कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो इससे, ठीक है। जो कि अभी जो मैं एक इश्यू बताने लगा हूँ आप, वो ये है, ये आप ऊप से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा मैं सोरोज एंटिटी का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट सपोज इसको क्या नाम दें, एंटिटी, ठीक है, इक्वल्स न्यू सोरोज एंटिटी। जबकि अगर देखा जाए
सोरोज एंटिटी हमारे पास डेटाबेस में किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ना ही ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ना ही ये कोई मतलब ये कोई एक्चुअल चीज नहीं है, ठीक है। ये हमने कोड के अंदर अपने कोड को आसान बनाने के लिए और रियूजिबिलिटी के लिए हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी एज अ पेरेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने शेयर्ड कॉलम्स रख लिए थे, ठीक है। लेकिन इसका भी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम क्योंकि ये चीज डेटाबेस को रिप्रेजेंट, डेटाबेस के अंदर भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रही हो, तो इसको हमें रोकना है। इसको रोकेंगे किस तरह से हम लोग, अगर आपने ऊप पढ़ी हो, ऊप के अंदर हमारे पास एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं अगर अपने पास सोरोज एंटिटी को, जो कि है पब्लिक क्लास सोरोज एंटिटी, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा फिर, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सो यहाँ पे हमने वही काम किया, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फायदा उठाया और हम लोग अपने ये जो एक इशू था, एक तरह का देखा जाए एक लिमिटेशन थी या एक गलत चीज हो रही थी, वो हमने अपने पास रोक दी विद द हेल्प ऑफ ऊप, ठीक है। अब बेसिक बेसिक टाइप ऑफ ऊप हम लोगों ने यूज की। तो आज हमने दो ऊप के भी कॉन्सेप्ट देख लिए, एक इनहेरिटेंस हम लोगों ने यूज कर ली और एक हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा, हमारे पास सोरोस एंटिटी के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बनने नहीं देगा। अच्छा, अब एक चीज है जो कि दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी, वो क्या है, हमने दो कॉलम्स यहाँ पे ऐड किए हैं, क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन, ठीक है। अब क्योंकि देखा जाए तो ये स्टूडेंट के अंदर भी एक्सेसिबल हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर भी एक्सेस हो रहे हैं। अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, सी एल एस इक्वल्स न्यू क्लास, ठीक है, तो मैं क्लास के अंदर भी सी एल एस डॉट क्रिएटेड ऑन को एक्सेस कर सकता हूँ। सो एक तरह का हो क्या रहा है, जो हमारे पास क्लास की एंटिटी है और स्टूडेंट की एंटिटी है, उसके पास दो कॉलम और भी आ चुके हैं मॉडिफाइड ऑन और क्रिएटेड ऑन के, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमें अपने डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंटिटीज को मजीद दो कॉलम ऐड कर दिए ना, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस दफा हम लोग सिर्फ ये दो कमांड आखिरी वाली रन करेंगे, ठीक है। अब दोबारा से वही काम करते हैं, हमें सबसे पहले कहाँ जाना होता है, मैं काम करता हूँ उसको बंद करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से ओपन करूँ। टूल्स, टूल्स में गए, अच्छा एक काम करते हैं इसको रिटर्न नल कर देते हैं ताकि फिलहाल ये हमारे पास एरर ना आए। इसको देखेंगे, ये सर्विस मैंने फॉर द टाइमिंग ऐसे ही इसमें ऐड किया, ठीक है, ये ऐसा ऐसा इस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें हम लोग डेटाबेस को रिक्वेस्ट देंगे, डेटाबेस से वापसी डाटा आएगा और वो फिर हम लोग वापसी विन फॉर्म पे भेजेंगे या जहाँ से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई होगी। इसको बंद करते हैं, ठीक है, न्यू गेट पैकेज मैनेजर को ओपन करते हैं। टूल्स, न्यू गेट पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कॉन्सोल, और यहाँ पे हम लोग वापसी ऐड करने लगे हैं, इसमें ऐड माइग्रेशन, ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्रिएटेड ऑन कॉलम्स, ओके, या डेट वाइज डेट ट्रैक कॉलम्स, कुछ भी नाम दे दें आप, इसका जस्ट मैटर नहीं करता, जस्ट खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैं डेट, क्योंकि हम लोग इसमें डेट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन का, तो इसलिए मैंने इसको डेट ट्रैक कॉलम्स नाम दिया, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही इंटर करूंगा, सो आप ये जो दो कॉलम है ये भी हमारी एंटिटीज में ऐड होने लग जाएंगे, ठीक है। एड माइग्रेशन, ओके, सो इट विल ऑटोमेटिकली पिकअप दीज टू कॉलम्स इन, ओके, सो नाउ यू सी वी हैव टू अवर माइग्रेशन फाइल फॉर डेट ट्रैक कॉलम हैज टू मेथड्स अप एंड डाउन, ओके। अप के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग चार कॉलम ऐड कर रहे हैं, किस किस में, क्लासेस के टेबल में क्रिएटेड ऑन का कॉलम, मॉडिफाइड ऑन का कॉलम, उनकी डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम डेट टाइम डेट टाइम डेट टाइम, और नलेबल ये फॉल्स है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में भी क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, इसने एंटिटी फ्रेमवर्क ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि हमारे पास ये दो कॉलम मजीद ऐड हुए हैं एंटिटीज के अंदर, ठीक है। और अब हम क्या करने लगे, जो हमारी थर्ड कमांड थी अपडेट डेटाबेस, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे, ये हमारे टेबल के अंदर ये दो कॉलम भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अप्लाइंग, ठीक है। सो अब क्या हुआ, हमारे पास अगर हम सोरोज डीबी को रिफ्रेश करें, ठीक है, और सोरोज डीबी रिफ्रेश, ठीक है,
हमारे पास जो क्लासेस का कॉलम, क्लासेस का टेबल है, उसमें भी दो कॉलम ऐड हो चुके होंगे, ठीक है, क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन। एंड सिमिलरली हमारे पास स्टूडेंट में भी, वेरिफिकेशन के लिए दिखा रहा हूँ आपको, कि क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन के दोनों कॉलम यहाँ पे भी ऐड हो चुके हैं। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, हमने डेटाबेस को वेरीफाई किया, डेटाबेस कहाँ बन रहा है, डेटाबेस के अंदर कॉलम सारे ऐड हो रहे हैं कि नहीं। फिर हमने माइग्रेशन को दोबारा से एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, माइग्रेशन के अंदर हमने दो दफा माइग्रेशन एग्जीक्यूट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासेस जो भी हमारी एंटिटीज थी उनके हमने टेबल्स बनाए हैं, और उसके बाद हमने आखिर में जो दो कॉलम मजीद ऐड किए थे उनको भी यूज किया। फिर आज हमने गैंग ऑफ फोर डिजाइन पैटर्न में से सिंगल टर्न पैटर्न भी यूज किया, ठीक है। आज हमने इसके अलावा एक पेरेंट एंटिटी बनाई जिसके अंदर हम लोगों ने शेयर्ड कॉलम्स रखे हैं, ठीक है, और उसको इनहेरिट किया हम लोगों ने बाकी सारी एंटिटीज के अंदर। इसके अलावा हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया ताकि हमारे पास उसके उस सोरोज एंटिटी के मजीद ऑब्जेक्ट ना बन सके। सो बेसिकली ये थी आज की क्लास, थोड़ी सी आज की क्लास लंबी हो चुकी है, लेकिन ये कि होपफुली आज हमने कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर ली हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी तक कोई किसी का कोई सवाल? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि हमें सिंगल टर्न की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। ऐसे तो बेस करते हैं आपकी उसके ऊपर, कौन सा डिजाइन पैटर्न आप यूज करने लगे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ये सिंगल टर्न यूज करूँ, लाजमी नहीं है मेरे लिए। मैंने अगर मैं आपको सर्विस दिखाऊँ उसमें मेरे लिए बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि मैं उसको सिंगल टर्न यूज करूँ। मैं हर दफा जाके, जब भी मुझे उस क्लास में से कुछ डेटा चाहिए होगा, मैं सिंपल जाऊँ और उस क्लास का जाके ऑब्जेक्ट बनाऊं, और ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको सिंपल जो भी मेथड मुझे एक्सेस करना है वो यूज कर लूं। लेकिन बार बार मुझे मल्टीपल जगहों पे, क्योंकि ये स्टूडेंट का डाटा बहुत जगहों पे दिखाना है मुझे, ठीक है, हो सकता है विन फॉर्म के अंदर हमारे पास हर हर व्यू के ऊपर हमें इस क्लास में से कोई ना कोई एक फंक्शन चाहिए हो जिसके ऊपर हम लोग डाटा लें और फिर वापसी दें, तो बहुत जगहों पे हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा होता, ठीक है। सिंगल टर्न हमें क्या हेल्प करेगा, सिंगल टर्न हमें एक लाइन बचा लेगा हमारी बहुत जगहों पे। हमें हर जगह पे जाके हर दफा स्टूडेंट सर्विस की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हम बस डायरेक्ट क्या करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जिधर भी हमें, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्टूडेंट स्टूडेंट या स्टूडेंट सर्विस को हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट सर्विस इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल्स न्यू स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस क्लास के थ्रू स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हर जगह यूज कर रहे होते हैं। सिंगल टर्न से हमें क्या फायदा हुआ, सिंगल टर्न से हमें ये फायदा हुआ, देखो अब ये होगा स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, जो दो लाइनों का काम था वो एक लाइन में हो गया, ठीक है। हमें नया ऑब्जेक्ट हर जगह क्रिएट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हम लोग बस ये लाइन लिखेंगे इतनी और हम लोग डायरेक्टली ये फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे। जिधर जिधर भी हमें स्टूडेंट चाहिए होंगे, सारे स्टूडेंट का डाटा चाहिए होगा या स्टूडेंट सर्विस की क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, वहां पे हम लोग डायरेक्टली सिंगल टर्न का फायदा उठा रहे होंगे। आई होप इट मेक सेंस नाउ। ओके, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? ओके गुड, चलो जो भी सेमेस्टर में तुम्हें मिलता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन पैटर्न आपको तकरीबन हर प्रोजेक्ट में काफी सारे डिजाइन पैटर्न देखने को मिलेंगे। इवन मैं जब अपनी खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे बहुत कम चांस मिला इसको देखने का, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैंने काफी जगहों पे इसका यूज देखा है। सो इट इज काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो आई होप
एंड यू लर्न इट वेरी वेल. ओके, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तकवीम? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, दैट्स गुड. लगता है हमारे दो बाकी स्टूडेंट और टीममेट्स तो भाग चुके हैं, जिया और बिलाल. ओके, लगता है उनके इंटरनेट का कोई मसला है, क्योंकि कल से इंटरनेट के मसला आ रहे हैं. होपफुली ये इस वीक के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा ये नेट का इशू. तो चलो मैं फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इसके रिलेटेड टास्क होंगे वो मैं इसमें मैंशन करता हूँ, ठीक है? एंड इट वॉज वेरी गुड सेशन अंटिल नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेशन कब होना चाहिए? लेट्स सी. ओके, आज संडे है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे, मतलब एक दिन के वक्फे से. हाउ अबाउट वेडनेसडे? मैं चाह रहा हूँ कि यार, क्योंकि कुछ वेडनेसडे, चलें ठीक है, हाँ वेडनेसडे, क्योंकि अगर कुछ एक दो लोगों के वीडियो शूट भी नहीं हुए तो उनके वीडियो शूट भी हो जाएंगे. और दूसरा ये कि कुछ टास्क पिछले सेशन के रहते हैं जो कि बाकी टीम मेंबर्स ने नहीं किए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन तक इसको कंप्लीट कर लें. बीच में दो दिन होंगे आपके पास, ठीक है, लाजमी कंप्लीट हो जाने चाहिए हैं. दिस इज फाइनल वार्निंग. ओके, सो इट वॉज वेरी गुड सेशन टूडे. एंड आप लोग ये करेंगे कि जो भी मैं टास्क अभी दूंगा आप लोगों को, आपने उनको नोट करना है, ठीक है, और उससे कोई भी सवाल होंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे सेम टाइम 10 PM. ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़.